मध्य प्रदेश के बड़वानी अस्पताल में बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। नवजात की मौत के बाद सिविल अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। वहीं परिजनों का कहना है कि प्रसूता की सोनोग्राफी रिपोर्ट नॉर्मल थी, लेकिन अस्पताल की लापरवाही से डिलीवरी के दौरान नवजात की मौत हो गई। वहीं मामले को लेकर नर्स का कहना था कि माँ के पेट में बच्चे के अंदर गंदा पानी भर जाने की वजह से उसकी मौत हुई है। शाम को 4 बजे मेरी बहू को बताने के लिए आया, डिलीवरी पीरियड में थी वो, प्रेग्नेंट थी। तो यहाँ पर सिस्टर ने देख के बताया कि बोले कि अभी देर है, आप घर ले जाओ। हम घर ले गए, सुबह 4 बजे फिर लेके आए। इन्होंने एडमिट कर ली वहाँ पर बहू को हॉस्पिटल में, और सिस्टर ने डिलीवरी करवाने की कोशिश करी उसको, तो हमारा बच्चा जो था वो शांत हो गया। जबकि हमने 4 सोनोग्राफी करवाई थी। जो जानकारी ली मैंने, तो पायल जो डिलीवरी केस, उसका नाम है पायल, पति उमेश, उम्र 28 वर्ष, इनकी प्रथम प्रसूति थी। ये सुबह 5:15 पे एडमिट हुए हैं और इनको डिलीवरी टेबल पे लिया गया है, और 8:15 पे डिलीवरी इनकी हुई। तो 7:40 पे जो स्टाफ ने बताया कि बच्चे की धड़कन ठीक आ रही थी।